सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशल इवेंट फॉर नॉवल लवर्स। टुडे इज़ द एपिसोड 6 ऑफ द नॉवल जुनून इश्कम बाय अरीज शाह। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये तुम क्या कह रहे हो शेर, क्या तुम सीरियस हो? मेरा मतलब है लाली और तुम। बाबा काफ़ी परेशान लग रहे थे। शेर जैसा मिच्योर इंसान और लाली जैसी लाओबाली सी लड़की, उसे तो ये भी नहीं पता था कि परेशानी किस चीज़ का नाम है। अपनी ही मौज में मस्त लड़की शेर जैसे लड़के के लिए क्या ठीक रहेगी? उनके दिमाग में यही सवाल उठ रहा था। ये अलग बात थी कि उनकी अपनी ख्वाहिश भी यही थी कि लाली उनकी बहू बने, जिसका इजहार वो 4 साल पहले सबके सामने कर चुके थे, जिसके जवाब में शेर ने बस इतना ही कहा था, बाबा क्या वो मेरे साथ सूट करेगी? और आज वो खुद उनसे लाली को मांग रहा था। खैर, ये सारी बात 4 साल पहले चली थी, लेकिन उसका लाली से 7 साल बड़े होना भी एक सवाल था। और उसके बाद लाली की लाओबाली तबीयत भी बड़ी परेशानी थी, लेकिन सब ने यही कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। उसकी खेलने कूदने वाली उम्र है, उसे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने थे। लेकिन कौन जानता था कि इन सब चीज़ों के बाद शेर के दिल में कहीं ना कहीं वो परी चेहरा अपना एक अलग मुकाम बना लेगी। उस घर में सिवाय सयार के आज कोई उसके दिल के हाल से वाकिफ नहीं था, और ना ही वो अपना आप किसी पर जाहिर होने देता था। जबकि सयार साफ अल्फाज में कहता था कि लाली की शादी मैं तुमसे करूँगा, क्योंकि अपनी लाडली बहन के मामले में वो किसी भी और पर यकीन नहीं कर सकता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात घर में सबके जहन में आई थी। कोई भी नहीं चाहता था कि लाली घर छोड़ कर कहीं भी जाए। एक वक्त था जब स्नेहा के लिए भी शेर का ही इंतखाब किया गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्नेहा किसी और की अमानत थी, किसी और की मलकियत थी, और शाह हवेली वाले लोग कभी भी अपनी मलकियत को छोड़ते नहीं थे। वो लोग तो अपनी मंग नहीं छोड़ते, यहाँ तो फैसला मलकियत का था, निकाह का था। वो लोग जब भी स्नेहा के बारे में कुछ सोचते तो उनकी नज़रों के सामने 10 साल का वो ज़िद्दी सा बच्चा आ जाता, जिसकी ज़िद्द उस खानदान में सबके लिए बहुत अहमियत रखती थी। और फिर लाली के लिए सभी ने शेर को ही सोचा था। एक दिन बातों ही बातों में बरीरा ने इस बात का जिक्र छेड़ दिया, तो शेर के चेहरे पर किसी भी किस्म की नाराज़गी और गुस्सा ना देखते हुए सब ने ही अंदाज़ा लगा लिया था कि बाद में उसे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा। और अब वो खुद 4 साल के बाद उनके सामने लाली की फरमाइश कर रहा था। मेरे ख्याल में लाली अभी बच्ची है, उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बाबा ने परेशानी से कहा। अब अगर नहीं सोचना चाहते आप तो मत सोचें, लेकिन उस बच्ची की शादी ताई अम्मी को बहुत फिक्र लेकिन उस बच्ची की शादी की ताई अम्मी को बहुत फिक्र सताने लगी है। वो तो आज सुबह ही कह रही थी कि लाली को घर के कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जल्द ही उसकी शादी कर देंगे। लाली के लिए हमारे ही गांव से 2 बेहतरीन रिश्ते आए हैं, जिन पर ताया अब्बू को कोई एतराज़ नहीं, जबकि एक रिश्ता तो लंदन से आया है उनके अजीज़ अजान दोस्त की तरफ से। बाबा ये ना हो कि आप उस बच्ची के बड़े होने का इंतज़ार करते रहें और वो दुल्हन बनकर किसी और के आंगन में बाहर ले आए। अगर ऐसा हुआ ना तो याद रखिएगा, ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। अब इस दिल की सल्तनत पर मलका बनकर सिर्फ लाली ही राज करेगी। अगर मुझे लाली नहीं मिली तो मुझे कोई और भी नहीं चाहिए, वो मजबूत लहजे में कहता उनके करीब से उठा ही था कि बाबा ने उसका हाथ थाम लिया। शेर, तुम्हें इतनी मोहब्बत कब हुई उससे? बाबा हैरानगी से पूछ रहे थे। अगर मुझे पता होता तो आपको ज़रूर बताता, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि ये दिल कब उस स्टुपिड बेवकूफ़ नलायक लड़की के नाम पर धड़कने लगा, वो उन्हें देखते हुए गहरे लहजे में बोला। बाबा कितनी ही देर उसे देखते और उसके अल्फाज पर गौर करते रहे, फिर बेइख्तियार मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। शर्म तो नहीं आती होगी बाप के सामने आशिकी झाड़ते हुए? उसके बेबाक लहजे पर बाबा ने शर्म दिलाने की कोशिश की। अरे शर्म तो फिर आपको आनी चाहिए, बेटे से बार बार आशिकी के सवाल पूछते हुए जवान बेटे के सामने ऐसी बातें आप ही कर रहे हैं, वो बेबाक लहजे में बोला। उसके अंदाज पर बाबा ने कहकह लगाया, हंसे मत, जाकर ताया अब्बू से रिश्ते की बात करें, यह ना हो कि वो अपने अजीज अजान दोस्त के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर ही दें, वो बेहद परेशान लहजे में बोला था। तो बाबा हंस दिए, फिक्र मत करो मेरे शेर पुत्र, दोस्त कितना ही अजीज़ क्यों ना हो भाई से ज़्यादा नहीं है, वो उठकर उसका कंधा थपथपाते हुए बोले। तो शेर मुस्कुरा दिया, जबकि उसके मुस्कुराने पर बाबा ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यही तो था उनका कुल सरमाया, उनकी इकलौती औलाद जिसे वो बेपनाह चाहते थे।
उनकी अज़ीज़ अर्जान बीवी उसकी पैदाइश पर ही उन्हें छोड़कर चली गई, लेकिन शाहजार साहब ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपने बेटे के लिए माँ और बाप दोनों बन गए। यही वजह थी कि शेर को जब भी कोई मसला होता वो सबसे पहले उन्हीं के पास आता, क्योंकि वो जानता था कि उसके हर मसले का हल उनके पास ज़रूर मिलेगा, और अगर हल नहीं मिला तो वो उसका हल तलाश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे अपने बेटे को हर मुसीबत से बचाने के लिए। अदा साहब, मैं बहुत ज़रूरी काम से आपके पास आया हूँ, वो तमहीद बांधते हुए बोले तो सिकंदर शाह उन्हें देखने लगे। सफदर शाह वहीं पर मौजूद थे और सफिया बेगम भी। हाँ कहो, इस तरह से इजाज़त क्यों मांग रहे हो? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, सिकंदर शाह ने खुशी से कहा। उसने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा था। अदा साहब, मैं अपने बेटे शेरजार शाह के लिए आपकी बेटी लाला रुख का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक कोई भी बात अपने दिल में नहीं रख सकता। शेर ने मुझे ये बात करने के लिए आप लोगों के पास भेजा है। ये सरासर उसका ज़ाती फैसला है और मुझे यकीन है कि आप मेरे बेटे को मायूस नहीं होने देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो सार, क्या तुम सीरियस हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है, यकीन करो आज तुमने मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा कर दिया। तुम मेरी पगली सी बेटी के लिए अपने इतने काबिल बेटे का रिश्ता मांग रहे हो, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती है कि वो मेरा दामाद बनेगा। क्यों सफिया बेगम, क्या ख्याल है, क्या आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के बेटे को देंगी? सिकंदर शाह ने मुस्कुराते हुए यकीन से पूछा तो सफिया बेगम उठ खड़ी हुई। मैं अभी मिठाई लेके आती हूँ और सबका मुंह मीठा कराती हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, जबकि सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे थे। ये तो बेहद खुशी की बात है, सारे रिश्ते घर में ही तय हो गए हैं, बस नेहा की परेशानी है। अल्लाह करीम मेरी बेटी के हर मसले को उससे पहले मैं हल कर लूँ। वो कहती हैं मेरे बाबा मेरे हीरो हैं, वो कभी कोई मुसीबत मुझ तक नहीं आने देंगे, लेकिन उस मुसीबत का क्या करूँ जो वो यहाँ लेकर आई है। तुराब हैदर को 2-3 बार देखा है मैंने, बहुत मगरूर किस्म का इंसान है, और उसका बात करने का अंदाज़ मुझे सुतेले सुसर साहब कहकर बुलाता है। बदतमीज़ इंसान, मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है उसमें। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी उस शख्स के साथ बर्बाद तो कभी नहीं होने दूंगा। सफदर शाह बहुत सोच कर बोल रहे थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सफदर, ये बात फ़िलहाल किसी को नहीं पता। तुम किसी तरह उससे तलाक के कागजात साइन करवा लो, और स्नेहा को उस निकाह के बारे में पता चलने से पहले ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। हमारी बच्ची कभी उस घर में सुकून का सांस नहीं ले पाएगी, और मुझे यकीन है कि पाकीज़ा भी कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। और आज तो बरीरा स्नेहा का एडमिशन करवाने यूनिवर्सिटी गई हुई है, और वो क्या नाम है ज़यार की बीवी का, हाँ पाजेब, उसका भी चेकअप करवाना था। वैसे अब पहले से बेहतर है, लेकिन बरीरा कह रही थी कि एक बार उसका प्रॉपर चेकअप हो जाए। माशाल्लाह से काफ़ी प्यारी बच्ची है, बस नसीब में ही रसवाई लिखी थी। बरीरा ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है कि उसने वक्त रहते अपनी गलती को सुधार लिया, और ज़यार भी इस शादी से काफ़ी मुतमईन है, बस वो दोनों बीवियों में इंसाफ कर सके। इंशाल्लाह भाई साहब, आप परेशान ना हो, ज़यार समझदार इंसान है, उसे पता होना चाहिए कि अगर उसने दूसरी शादी का फ़ैसला किया है तो दोनों बीवियों को बराबर के हकूक़ देना भी उसका फ़र्ज़ है। बरीरा के साथ माशाल्लाह से उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, फिर उसने इस तरह का कोई फ़ैसला किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। सफदर ने कुछ सोचते हुए कहा तो सिकंदर साहब ने हाँ में सर हिला दिया। उनमें से किसी को भी ज़यार की दूसरी बीवी होने पर कोई एतराज़ नहीं था, ज़यार एक काबिल और ख़ुद मुख्तार इंसान था, वो दो बीवियों का बोझ उठा सकता था, और ये सरासर उसका ज़ाती फ़ैसला था जिस पर किसी को भी एतराज़ करने का कोई हक नहीं था। सिकंदर शाह के जहन में बस ये सोच थी कि हो सकता है कि इस फैसले से बरीरा की ज़िंदगी पर कोई बुरा असर हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बरीरा ने खुले दिल से ज़यार की दूसरी बीवी को कबूल कर लिया था। सफिया बेगम मिठाई लेकर आईं, खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। सब ने मुँह मीठा किया, जबकि पाकीज़ा बेगम यहाँ पर नहीं थी, वो तीनों बच्चियों के साथ शहर गई हुई थी। पहले स्नेहा के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना था, और फिर पाजेब के साथ डॉक्टर के पास जाना था, जबकि लाली सबको भेज कर खुद फिंगर चिप्स और कोक के मज़े लूट कर आराम से सो चुकी थी। उसका आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था, और वैसे भी सप्ली वालों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता, उर्दू में ही सही, लेकिन सप्ली तो आई थी ना, इसीलिए वो बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी, वरना उसे यकीन था कि अम्मी उसे ज़बरदस्ती स्नेहा के साथ भेज देती। और उसके बाद रोहान अद्दा से जो बातें उसने हॉस्टल की बोरिंग रूटीन के बारे में सुनी थी, उसका तो दिल ही खराब हो गया किसी हॉस्टल या यूनिवर्सिटी में जाने का।
वो घर में ही बेहद खुश थी, जब दिल होता था कॉलेज जाती थी, जब नहीं होता था नहीं जाती थी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो थी ही नहीं, तो उसका दिमाग ख़राब था जो इतनी आज़ादी का अपने हाथों से गला दबाती। वो अपनी बेफिक्र ज़िंदगी गुजार रही थी, जबकि उसकी यही बेफिक्री सफ़िया बेगम को दिन ब दिन परेशान करती जा रही थी। स्नेहा और पाकीज़ा को यूनिवर्सिटी भेजने के बाद वो हस्पताल आ गई थी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। ये वो हस्पताल नहीं था जहाँ वो पहले आई थी। वैसे तो वो अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ज़यार के हुक्म पर उसे आज हस्पताल आना ही था। कल रात ही वो उसके कमरे के बाहर रुक कर कह चुका था कि सुबह चाची तुम्हें अपने साथ हस्पताल लेकर जाएंगी ताकि तुम्हारा प्रॉपर चेकअप हो सके। उसने जवाब में कुछ नहीं कहा था। सुबह बरीरा तैयार खड़ी थी उसे अपने साथ ले जाने के लिए। सुबह वो सब ड्राइवर के साथ शहर आ गई थी। पाकीज़ा बेगम और स्नेहा यूनिवर्सिटी जा चुकी थी, जबकि ड्राइवर उन्हें हस्पताल ले आया था। डॉक्टर साइमा ने उसका चेकअप किया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। बरीरा ने उससे उसी वक्त ज़यार को फ़ोन करके उसकी कंडीशन के बारे में बता दिया था, जो ज़यार का हुक्म था। ज़यार को अपनी परवाह करते देख वो बेहद खुश थी, लेकिन अपनी इस खुशी को उसने बरीरा बेगम के सामने महसूस नहीं होने दिया था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बरीरा बेगम को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ हो, लेकिन यहाँ आते हुए बरीरा बेगम ने उससे कहा था कि जब ज़यार उससे बात करता है तो वो मंजर से हटने की कोशिश करती है, ताकि वो मंजर उसके सामने ही ना आए जिससे उसका दिल दुखता है। तब उसको पता चला कि वो औरत उस वक्त क्या सोचती होगी जब उसका शौहर मोहब्बत भरी नज़रों से किसी और को देखता है। और यही सारी बातें उसे मायूस कर रही थी। वो ज़यार की ज़िंदगी पर कोई हक़ नहीं जताना चाहती थी, लेकिन ज़यार का हक़ जताना उसका लहजा उसे बहुत शिद्दत से महसूस होता। अपना चेकअप करवा कर वो अभी अस्पताल के रूम से बाहर निकली थी कि सामने एक प्यारी सी लड़की बेहद परेशानी से इधर उधर घूम कर सारे डेस्क के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। उस प्यारी सी लड़की को इस तरह परेशान देखकर पाज़ेब ने एक नज़र बरीरा की जानी देखा, जो उसी लड़की को देख रही थी। वो काफ़ी बेचैन लग रही थी जब बरीरा उसके पास जाकर रुकी। क्या हुआ प्यारी, तुम क्या ढूंढ रही हो, इस कदर परेशान क्यों हो, वो उससे पूछने लगी। उस परेशान लड़की ने एक नज़र उसकी जानी देखा। मैंने यहाँ अपना बैग रखा था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। मेरे चाचू की तबीयत बहुत ख़राब है, मेडिसिन की ज़रूरत है। मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी घर छोड़ आई हूँ, परेशानी की वजह से किसी को घर पे फ़ोन करके बता भी नहीं सकती। और काउंटर पर अभी पैसे जमा करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना डॉक्टर मेरे चाचू का चेकअप नहीं करेंगे। अंदर जाते हुए हम यहाँ पर बैठे थे और मैंने अपना बैग यहीं पर रखा था, लेकिन वो अब खो गया है, वो लड़की बेहद परेशानी से उसे बता रही थी। पाज़ेब को तो उसकी हालत पर बड़ा तरस आया। अगर उसके पास पैसे होते तो वो उस मासूम लड़की की मदद ज़रूर करती। तुम घबराओ मत, बताओ मुझे तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, बरीरा ने उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा। शायद ये भी एक ज़रिया था पाज़ेब की नज़रों में अच्छा बनने का। मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है, बाकी पैसे चाचू के पास हैं, अगर आप मुझे दे सकती हैं तो प्लीज़ दे दें, मैं आपको वापस कर दूँगी। बल्कि ये पैसे मैं आज शाम को क्या आपको लौटा दूँगी घर जाते ही, आप मुझे बस अपना अकाउंट नंबर बता दीजिएगा। उम्मीद की एक किरण नज़र आते ही वो उससे कहने लगी, क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी और तुम्हें ये पैसे लौटाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, वो पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली। ये तो ज़्यादा है, मुझे सिर्फ 3,000 रुपये चाहिए, उसने पैसे थामने से पहले कहा। नहीं, तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है, तुम रख लो, बरीरा ने 5,000 का नोट उसकी मुट्ठी में दबाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दें, मैं रात को ही आपको पैसे वापस सेंड कर दूँगी। शायद वो लड़की एहसान लेना नहीं चाहती थी। मैंने कहा ना इसकी ज़रूरत नहीं है, बरीरा ने मुस्कुरा कर उसका गाल थपथपाया। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पैसे आपको ज़रूर वापस करूँगी, ताकि आप वक्त आने पर किसी और की मदद कर सकें, आप प्लीज़ मुझे अपना नंबर दे दें, वो जल्दी से बोली। उसने पेन और कागज़ नर्स से लेते हुए उसके हवाले करने लगी, तो बरीरा को मजबूर होकर अपना नंबर उस पेज पर लिखना ही पड़ा। तुम भी मुझे अपना नाम बता दो, ताकि पता तो चले कि मैंने किस प्यारी सी लड़की की मदद की है, वो अपना मोबाइल उसके सामने करते हुए बोली। वो लड़की फ़ौरन समझ गई थी कि वो उसका नंबर मांग रही है, उसने फ़ौरन फ़ोन थाम लिया अपने मसीहा को बाद में फ़ोन करके बताने के लिए कि उसने उसकी रकम उसे वापस कर दी है। मेरा नाम दानीन है, लेकिन छोटे बड़े सब मुझे दानी कहकर बुलाते हैं, उसने मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया और उसका फ़ोन उसके हवाले कर दिया।
हम भी तुम्हें दानी ही कहेंगे। बरीरा ने मुस्कुराते हुए उसके नंबर पर उसका नाम दानी लिखा और पाजेब को चलने का इशारा किया। पाजेब ने भी मुस्कुराते हुए उस लड़की को खुदा हाफिज़ कहा। आज उसके दिल में बरीरा के लिए इज्जत मज़ीद बढ़ गई थी। वो ज़रूरतमंदों की मदद भी करती थी। बरीरा बेगम का दिल बहुत बड़ा था, वो उनके मुकाबले में कभी भी नहीं थी। यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो चुका था, जिसे लेकर वो बहुत खुश थी। लेकिन घर आते ही जो खबर नहीं मिली थी, उसने तो सबके होश ही उड़ा डाले थे। इस महीने की 18 तारीख को लाली का निकाह था, वो भी शेर के साथ। इस खबर ने थोड़ी देर पहले ताई अम्मी के मुंह से सुना था। वो बरीरा बेगम को मिठाई खिलाते हुए खुशखबरी सुना रही थी और अब उनके जाते ही वो पाकीज़ा बेगम के सर पर सवार हुई थी। अम्मी, क्या सच में लाली की शादी हो रही है? क्या लाली को इस बारे में पता है कि शेर अद्दा से उसकी शादी की जा रही है? वो शॉक्ड और खुशी की मिली जुली कैफियत में कुछ भी सीधा नहीं बोल पा रही थी। नहीं, उन मैडम को कि अभी तक आंख नहीं खुली है। अच्छी खासी किचन की तबाह कारियाँ निकाल कर मैडम सोई हुई थी और अभी तक जागी नहीं है। ये धमाका तो तब होगा जब उनकी आँख खुलेगी। पाकीज़ा बेगम ने ताई अम्मी की बताई सारी बातें उसे बताई। हाय अल्लाह, लाली की शादी शेर अदा के साथ! कितनी खुशी की बात है, कुछ ही दिनों में निकाह है, मुझे कितनी तैयारियां करनी हैं। या अल्लाह, मुझे अब भी शॉपिंग के लिए निकलना होगा। ज़यार अदा कहाँ है? वो भागती हुई कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में जा रही थी, जबकि पाकीज़ा और सफिया बेगम तो उसकी दौड़े देख कर परेशान हो गई थी। इस घर में इस शादी से सबसे ज़्यादा खुशी उसी को मिल रही थी, क्योंकि हर वक्त उसके इतने प्यारे और हैंडसम से अदा को मुच्छड़ मुच्छड़ कहने वाली उन्हीं के साथ जुड़ने जा रही थी। उठ जा लाली, कब तक सोएगी? यहाँ तेरी ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा है और तू आंखें ही नहीं खोल रही। स्नेहा उस पर सवार मुसलसल उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। क्या है कमीनी, मेरी नींद की दुश्मन? क्यों मेरे ख्वाबों को आखिरी मंजिल तक नहीं पहुँचने देती? वो बेहद गुस्से से बोली। उसे कच्ची नींद से जगाया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नींद के दुश्मन तो मेरे शेर अद्दा बनेंगे, मैं कहाँ मासूम किसी की नींद की दुश्मन बन सकती हूँ? वो बेहद मासूमियत से कह रही थी, जबकि लाली को तो उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। क्यों, कहीं उस मुच्छड़ ने मुझे तेरी वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो नहीं दिलवा दिया? मैं पहले ही कह रही हूँ कि मुझे नहीं पढ़ना, बस तालीम ख़त्म, जान छूट गई है मेरी। अब खपरदार जो किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की तो मैं अनपढ़ गवार बन के सारी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन उस मुच्छड़ के पास पढ़ने के लिए कभी नहीं जाऊँगी। मुझे तो उनके बारे में बात ही नहीं करनी। ऐसे होते हैं भाई, सीखें कुछ जाके मेरे ज़यार अदा से, के वो मुँह बनाकर बोली तो स्नेहा ने अचानक उसके लबों पर अपना हाथ जमा दिया। खबरदार जो अब से तुमने उन्हें अदा कहा, रिश्ता बदलने वाला है तुम लोगों का, वो भी कल सुबह सवेरे। और अब से अदा तुम्हें ये सबक नहीं पढ़ाएंगे, अब तो वो तुम्हें अपने प्यार का सबक पढ़ाएंगे, वो भी बेहद प्यार से, ताकि तुम उस सबक को अच्छे से सीख जाओ। वो अपना दुपट्टा हाथ में मड़ोड़ते न जाने उसे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम ये दुपट्टा क्यों खराब कर रही हो? भूलो मत कितनी मुश्किल से सुबह मैंने इस्तरी करके दिया था, वो अपना सुबह वाला एहसान दोबारा याद करवाते हुए बोली। उफ अल्लाह जी, छोटे लोग छोटी सोच, यहाँ मैं ज़िंदगी भर के बारे में बात कर रही हूँ, इसे अपने इस्तरी करदा दुपट्टे की बड़ी है, स्नेहा ने मुँह बनाकर कहा। हाँ तो तुम इतना उलझा क्यों रही हो, साफ साफ बताओ ना कि क्या बात है, इस तरह से तो मुझे कभी भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। वो भी उठकर बैठ गई, नींद तो वैसे भी स्नेहा ने तबाह कर ही दी थी। मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, लेकिन आइडिया दूंगी, तुम खुद गेस कर लो, ताकि मुझे बताने और तुम्हें सुनने में मज़ा आए। स्नेहा ने गेम खेलनी चाही तो लाली ने फौरन हाँ में सर हिला दिया, उसे इस तरह के खेल बेहद पसंद थे। चलो शुरू करो, वो आलती पालती बनाकर बैठी। गेम का सबसे पहला असूल है कि मेरे सारे गेसेस शेर अदा की जानिब होंगे और तुम्हें जवाब भी उन्हीं को जहन में रख कर देना होगा, उसने शर्त रखते हुए कहा तो उसने फौरन हाँ में सर हिलाया और खेल की शुरुआत हुई। अब से तुम्हें रोज़ वो काम करना है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, स्नेहा ने कहा। अरे यार नहीं, मुझसे नहीं बनाई जाती रोज़ मुच्छड़ के लिए चाय। और एक और बात, वो रोज़ तो मुझसे चाय नहीं बनवाते, बल्कि सुबह सुबह तो वो मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं अपने काम पर, वो मुँह बनाकर बोली तो स्नेहा का अच्छा खासा मूड ख़राब हो गया। यार हद है, तुम्हारी सोच क्या घर के कामों से बाहर निकल सकती है?
एक चाय बनाने आती है उस पर भी हजार नखरे। चलो अब आगे बढ़ो। उसने अपनी दोनों उंगलियां सामने की मतलब दूसरा गैस दे रही है। वो काम जो तुम जिंदगी में कभी नहीं कर सकती। स्नेहा बहुत सोचते समझते शरारत से अपने लब दबाते हुए पूछने लगी और उसे यकीन था एक यही काम वो जिंदगी में नहीं कर सकती। शेर से शादी करना उसके बस से बाहर था। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो आगे भी मेरा एडमिशन करवाएंगे। अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकती, बस मेरी पढ़ाई से जान छूट जाए। या अल्लाह, सबको समझा दे मैं नहीं कर सकती पढ़ाई, बस। लाली हाथ ऊपर करते दुआ मांगने लगी, जबकि स्नेहा का दिल चाहा कि कोई भारी चीज़ उठाकर उसके सर पे दे मारे। एक तो चाय से उसकी जान नहीं छूटती थी और दूसरा पढ़ाई से। बस बहुत हुआ, आखिरी गेस, वो कौन सा काम है तुम जिंदगी में करना चाहती हो? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, बस ये बता दो। स्नेहा ने हिम्मत हारते हुए कहा, क्योंकि उसका कोई गेस निशाने पर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि लाली की ख्वाहिश है कि वो दुल्हन बने। हो सकता है यहीं से उसे पता चल जाए और उसकी सोच शादी तक पहुँच ही जाए। मेरी तो बस एक ही ताज़ी ताज़ी ख्वाहिश है कि शेर अदा की शादी हो और मैं उनसे बहुत सारे पैसे निकलवाऊँ और फिर उन पैसों के साथ तुर्की घूमने निकल जाऊँ, वहाँ से कोई अच्छा सा हैंडसम सा बंदा पकड़ूँ और बस। बस बहुत हुआ, अपनी सोचों को ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी शेर अदा के साथ है, वो भी इस महीने की 18 तारीख को, और यही हकीकत मैं तुम्हारे साथ ये खेल खेल कर तुम्हें बताना चाहती थी, तुम्हारा झटका कम करना चाहती थी। लेकिन तुम डिज़र्व यही करती हो कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खबर झटके के साथ ही दी जाए। तो मुबारक हो, बहुत जल्दी तुम शेर अदा की दुल्हन बनने वाली हो। तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्वाब पता नहीं कौन कौन सी दुनिया के मुसाफिर हैं। ज़मीन पर आ जाओ मैडम, 18 तारीख को तुम्हारी शादी है और कल सुबह तुम्हारी मंगनी है। उसे ख्वाबों की लंबी लिस्ट बनाते देख स्नेहा उठ खड़ी हुई और लगे हाथ उसे सारी हकीकत भी बता दी, जबकि वो तो बेयकीनी से उसका चेहरा देख रही थी। शेर अदा, उसने खींच खींच कर अल्फाज अदा किए। जी शेर अदा, स्नेहा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके हाथ पाँव फूल चुके थे क्योंकि लाली इस झटके से बेहोश हो गई थी। स्नेहा बेटा घबराओ नहीं, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? सिकंदर साहब ने परेशानी से पूछा। मुझे नहीं पता था अब्बू, मैं तो बस इसकी मंगनी की खुशखबरी दे रही थी, लेकिन शेर अदा का नाम सुनते ही ये बेहोश हो गई, स्नेहा ने तफसील से बताया। तो ज़यार के साथ साथ सिकंदर साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन शेर खामोश खड़ा उसके बेहोश वजूद को देख रहा था। उसकी बात पर बस उन सब के चेहरे को देख कर रह गया। क्या बात है बच्ची, बड़ी डरा के रखी हुई है। जाहिद ने उसके कान में सरगोशी की, बकवास न कर, अपना काम कर और निकल यहाँ से। उसकी सरगोशी पर वह उसे घूर कर डांटने लगा, जबकि ज़यार और सिकंदर शाह की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। हाँ, लेकिन उसकी बेहोशी की खबर सुनकर घर के सब लोग जहाँ भी थे वापस आ चुके थे। लाली में तो इस पूरे ख़ानदान की जान बसती थी, कोई भी उसकी छोटी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अदा साहब, क्या हुआ मेरी बच्ची को? शाहजार साहब जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुए थे परेशानी से लाली को देख रहे थे। कुछ नहीं हुआ जार, बस शेर अक्सर उसे डांटता रहता है ना, बस शादी की बात सुनकर घबरा गई है। सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए बात को टालना चाहा, तो शाहजार साहब ने भी मुस्कुराकर अपने बेटे की जानिब देखा, जो इस सब माहौल में काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो अदा साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मंगनी छोड़ें फ़िलहाल, शादी भी रहने दें, बाद में सुकून से जब लाली का जहन बने तब कर लेंगे, तब तक हम कोई बात ही नहीं करते। शाहजार साहब ने शरारती नज़रों से अपने बेटे की जानिब देखकर सिकंदर साहब को मुखातिब किया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, झटका तो वैसे भी उसको लग गया है और पता भी चल चुका है, तो जहन आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर लेगा और ऐसे नाजुक लड़कियों के जहन को बार बार ज़्यादा झटके नहीं लगने चाहिए, शेर ने फौरन से कहा, तो सबका कह कहा बुलंद हुआ। अब मैं क्या कहूँ शाहजार, मेरे ख्याल में बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सिकंदर साहब का लहजा भी शरारत से भरपूर था। बस ठीक है ना चाचू, मुझे भी यही लगता है कि लाली के जहन के लिए एक ही झटका काफ़ी है। सयार ने भरपूर तरीके से अपने दोस्त का साथ दिया, जबकि शेर मुस्कुरा कर जाहिद को दरवाजे तक छोड़ने जा चुका था। मुझे तो लगा कि बच्ची को कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस झटके का नाम सैयद शेरसार शाह भी हो सकता है, सोचा नहीं था।
तू मुझे सीधी तरह भी तो कह सकता है कि मुझे धक्के मार के निकाल, शेर इज्जत मुझे रास नहीं आती, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा तुझे धक्के देकर निकालने में, लेकिन यूं इस तरह से फजूल बकवास करने की क्या ज़रूरत है। रहीम अकबर साहब को धक्के देकर घर से बाहर निकालो, ये जनाब इज्जत से जाना नहीं चाहते, शेर ने बाहर खड़े मुलाजमों को आवाज़ दी जो खुद भी उसके अंदाज़ पर मुस्कुरा दिए। जाहिद कोई पहली बार उनकी हवेली में नहीं आया था, उनका बचपन का दोस्त होने की वजह से वो अक्सर ही यहाँ पाया जाता था, जिसकी वजह से सब मुलाजिम भी उसे अच्छे से जानते थे। अरे यार शेर, शर्मा क्यों रहा है, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मुझे तो बता ही सकता है, वैसे तेरी शर्मो हया बता रही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लड़की बेगुनाह है, बस उसके मामले में ये इंतहाई शरीफ इंसान मवाली है, वो अपनी ही धुन में बोल रहा था जब दो मुलाजमीन उनके करीब आ गए। इसे उठा के बाहर फेंको, उसके हुक्म पर दोनों मुलाजमीन ने उसके हुक्म की तकमील करते हुए जाहिद को अपनी बाहों में उठाया और बेहद एहतराम से उसे गाड़ी में बिठा आए, जबकि जाहिद अब भी पास नहीं आया था। जाते जाते भी जितना हो सका वो उसे जिच करके गया था। उसकी बातों पर हंसते हुए वो वापस लाली के कमरे में आया, जहां वो अभी तक बेहोश पड़ी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आया था, जबकि अंदाज़ा ही नहीं था कि ये झटका इतना शदीद भी हो सकता है। न जाने लाली ने अपने जहन में अपने मुच्छड़ के लिए कौन सा नक्शा खींच रखा था। खैर, वो तो अब उसे निकाह के बाद ही पता चल रहा था, जिसका उसे शिद्दत से खैर वो तो अब उसे निकाह के बाद ही पता चलना था जिसका उसे शिद्दत से इंतज़ार था। बाबा, मैं शेर अदा से शादी नहीं करूँगी, वो दुपट्टा हाथों में मड़ोड़ती हुई बोली। तो किससे करोगी, दूसरी तरफ से सवाल आया। किसी से भी कर लूँगी, आप जहाँ कहेंगे वहाँ कर लूँगी, लेकिन शेर अदा से नहीं। आप बेशक मेरी शादी किसी गरीब तरीन इंसान से कर दें, किसी रिक्शा ड्राइवर से करवा दें, उसने फौरन जवाब दिया। सामने वाले ने चश्मा अपनी आंखों पर सेट करते हुए उसे देखा। वो गांव का आबिद कैसा है, सवाल पूछा गया। कौन आबिद, मैं तो किसी आबिद को नहीं जानती, उसने थोड़ी के नीचे हाथ जमाया। वो फजीला का भाई, हमारी मुलाजमा है ना, उसका भाई आता है ना सुबह सुबह किचन में दूध रखने के लिए, तुम कल सुबह उसे गौर से देख लेना, फिर उसी के साथ हम तुम्हारे रिश्ते की बात चलाएंगे, दूसरी तरफ से बेहद सफाकी दिखाई गई। मैंने तो कभी ज़िंदगी में आबिद को नहीं देखा, पता नहीं वो कैसे देखते हैं, बस फजीला आपा ही बताती हैं कि उनका भाई लाखों में एक है, हीरा है हीरा, जबकि वो बेचारी तो जानती ही नहीं कि हर इंसान एक ही होता है, लाखों में नहीं करोड़ों अरबों में, बल्कि पूरी दुनिया में एक ही होता है, और इंसान कभी हीरा नहीं हो सकता, हीरा हीरा होता है और इंसान इंसान होता है, लेकिन आपा का वो हीरा है। हाँ हाँ हाँ, लाली अपनी सोचों में गुम आबिद का नक्शा याद करने की कोशिश करते अपनी ही धुन में बोली। हाँ वही हीरा हम तुम्हें देना चाहते हैं, अगर शेर नहीं तो आबिद से ही सही, वो बिना सोचे समझे बोल रहे थे। लाली तो अपने बाबा की इस बेरहमी पर उन्हें देखकर रह गई, मतलब अपनी सबसे लाडली सबसे प्यारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे, अब वो उसकी शादी एक दूध वाले से करेंगे, वो भी वो दूध वाला जो सिर्फ सुबह दूध किचन में रखने के लिए आता था, वरना तो उसके पास अपनी कोई गाय भैंस भी नहीं थी। लाली के तुर्की जाने के ख्वाब ही अधूरे रह जाते जो उसने नावल पढ़कर ताज़ा ताज़ा सजाए थे। कोई और ऑप्शन है, उसने हिम्मत करते हुए पूछा। दूसरा ऑप्शन शेरजार है, जिससे तुम्हें इनकार है, सामने वाले ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया जो कि रोबदार पर्सनालिटी बनाते हुए दोबारा गिरकर उसकी गर्दन पर आ चुका था। बस बहुत हुआ बाबा, मुझे नहीं करनी शेरजार से शादी, आप बार बार मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं, वो गुस्से से उठ खड़ी हुई, जबकि सामने वाले ने उसकी हिम्मत को दाद देते हुए ताली बजाई। बस ऐसे ही जाकर ताया अब्बू को बोल दो, लाली बेकार में इतनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, स्नेहा ने चश्मा सामने मेज़ पर फेंकते हुए कहा, जबकि अगले ही लम्हे मुलाजमा उसे सिकंदर शाह के बुलावे का हुक्म दे चुकी थी। जाओ लाली, ताया अब्बू बुला रहे हैं, जाकर बोल दो कि तुमने नहीं करनी शेरजार अदा से शादी, वो ज़बरदस्ती उसे दरवाजे तक लेकर आई, जबकि अब तो लाली की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी, वो कांपते पैरों के साथ अपने बाबा के रूम में जा पहुंची। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके उनके सामने बैठी हुई थी, एक हाथ दूसरे हाथ में रखे वो बेहद कन्फ्यूज थी। बाबा जान चश्मे के पीछे से किताब की तरफ कम उसकी तरफ ज़्यादा मतवजा थे। आप यहाँ किसी अहम काम के लिए आई थी, वो गला खंखार कर उसे अपनी तरफ मतवजा करते हुए बोले। बाबा वो दरअसल मैं
मैं आपसे आपकी ये अहम तरीन बात आज की तारीख में ख़त्म होगी। वो एक नज़र किताब से हटाकर उसकी जानिब देखते हुए बोले तो वो मज़ीद घबरा गई। जी बाबा जी, मैं बोलने वाली हूँ, वो जल्दी से बोलते हुए फिर खामोश हो गई। सिकंदर साहब ने एक नज़र उसके चेहरे पर देखा और फिर अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गए, जैसे उससे किसी अच्छी बात की उम्मीद ही ना हो। बाबा, वो मैं शेरज़ार अदा से शादी नहीं कर सकती। वो आंखें बंद किए दिल को धड़कने से रोके एक ही सांस में एकदम बोल गई। बंद आंखों के पीछे बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशंस तो नज़र नहीं आए, लेकिन उनकी ये आवाज़ आई थी। बस यही बात थी, बाबा की आवाज़ सुनाई थी। लाली ने आंखें खोल कर देखा, वो अब भी अपनी किताब की तरफ मतवज्जा थे, मतलब इतनी अहम बात की उनकी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं थी। लाली बेटा, तेरे नसीब उस ब्रैकेट जंगल के बादशाह शेरज़ार के साथ ही पढ़ने हैं, वो दिल ही दिल में सोचती हिम्मत करके बोली। मैं बहुत सीरियस हूँ बाबा। इस वक्त वो अपने चेहरे पर जितनी मस्कीनी सजा सकती थी उसने सजा ली थी। बाबा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, आंखों से चश्मा हटाते हुए टेबल पर रखा। कोई ख़ास वजह? अब वो पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा थे। एक वजह? हज़ार वजह है बाबा, वो जोश से बोली। आप बस कोई एक ही वजह बता दें। अगर आपकी वजह इस काबिल हुई कि मैं आपकी शादी शेरज़ार से तोड़ दूँ, तो मैं इस रिश्ते से इनकार करने में एक सेकेंड नहीं लगाऊँगा। हाँ तो वजह मैं बताती हूँ ना, वो फ़ौरन से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। बाबा पूरी तरह उसके तरफ मतवज्जा हुए। बाबा, सबसे पहले तो उनका नाम देखें, शेरज़ार शाह। शेर नाम इंसानों का थोड़ी ना होता है। उसने सबसे बड़ी वजह बताई। तो बेटा, ये तो उसके वालदैन की गलती है जिन्होंने ये नाम रखा है। वो चश्मा साफ करते हुए एक बार फिर से पहनने लगे। चलिए, ये तो आपने ठीक कहा बाबा, बिल्कुल ये तो चाचू की गलती है, वो फ़ौरन मान गई थी। जाहिर है बाबा को गुस्सा दिलाने का रिस्क तो ले नहीं सकती थी। फिर कुछ सोचते हुए बोली, चले नाम को छोड़ें बाबा, उनका कद, उनके सामने मैं छोटी बच्ची लगती हूँ। ब्रैकेट, अब उसका कद छोटा था तो इसमें उसका क्या कसूर था, ये तो कुदरत का निज़ाम था। लेकिन शेरज़ार को अपना कद इतना बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? बेटा जी, मेरे ख्याल में ये कुदरत का निज़ाम है, वो बेजार से अंदाज पे बोले। इसकी वजह बाबा को काबिले गौर हरगिज़ नहीं लग रही थी। बाबा, उनकी मूछें, वो मेन वजह पर आई थी। अब उसकी मूछों से भी मसला है, वो उसे देखते हुए बोले। जी है, कैसे हवलदारों की तरह मूछें लगी हुई हैं। लालित ने एक और कोशिश की। जब बाबा ने अपनी मूछों को ताव दिया तो मतलब समझकर लाली नज़रें झुका गई। बेटा जी, हमारा ताल्लुक शाह ख़ानदान से है और यहाँ मूछें मर्द की शान है, और कोई वजह है तो वो भी बता दें, वो उसे घूरते हुए बोले। बाबा, वो हर बात पे मुझे डांटते हैं, हमेशा मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं, हर वक्त सख्त नज़रों से घूरते रहते हैं। अब वो जज्बाती हुई। फिर बेटा, आपको शादी से इनकार करने की बजाय अपनी हरकतों पर गौर फरमाना चाहिए, बाबा बेहद नरमी से बहुत साफ अंदाज में बोले। लाली का मुंह बन चुका था। जाएं अब जाकर अपनी मंगनी का ड्रेस देखें, कल सुबह आपकी मंगनी है, वो उसे जाने का कहते हुए अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गए। जबकि लाली कितनी देर उन्हें देखती रही और फिर उठकर पैर पटकती अपने कमरे में आ गई, जहां स्नेहा पहले ही बड़े मज़े से बैठी कल का ड्रेस देख रही थी, जिसमें उसने अपनी पसंद से लाली के लिए ड्रेस भी ली थी और अब अपने लिए भी सिलेक्ट कर रही थी। सिकंदर साहब अपने कमरे से बाहर निकले तो देखा उनकी हवेली दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। वो बेहद खुशी से ये सब कुछ देखने लगे थे। उनकी इकलौती लाडली बेटी लाला रुख की सुबह मंगनी होने जा रही थी। तैयार के बाद उनके यहाँ 11 साल तक कोई औलाद ना हुई तो वो बेटी की रहमत से मायूस हो गए थे, लेकिन जब 11 साल बाद अल्लाह ने तोहफे की सूरत में उन्हें लाला रुख से नवाजा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। लाला रुख उनके ख़ानदान की वो पहली बच्ची थी जिसकी पैदाइश पर पूरे गांव को सदका व खैरात दिए गए। कहने को तो बरीरा भी बेहद अजीज़ थी, लेकिन बरीरा की पैदाइश गैर मुल्क में हुई और उसके साथ जुड़ी सारी खुशियां भी गैर मुल्क में ही मनाई गई। बरीरा की पैदाइश पर ही सिकंदर शाह ने लंदन जाकर उसकी छोटी सी उंगली पर अपने बेटे ज़यार शाह के नाम की अंगूठी पहनाई थी और अपने भाई से वादा किया था कि उसकी बेटी उनके ख़ानदान की बहू बनेगी, लेकिन उनको उसका अंदाज़, उसकी आज़ाद ख्याली कभी भी पसंद नहीं थी।
वो जब 20 साल की उम्र में पाकिस्तान आई तो अपने बाबा के फैसले पर सर झुका गई। वो लाख गैर मुल्की सही, लेकिन तहजीब और तरबियत से बिल्कुल पाकिस्तानी थी। पर सिकंदर शाह को अपनी ये भतीजी अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी, क्योंकि वो ख़ानदान भर में पैदा होने वाली पहली बच्ची थी जो सबकी नज़रों का मरकज़ बनी। ज़यार के उससे शादी के इनकार पर सिकंदर शाह ने बहुत बवेला मचाया और उसे अपनी पगड़ी की कसम देकर उसे बरीरा से शादी करने पर मजबूर कर दिया। और फिर जब उनके छोटे भाई को एक रात अचानक हार्ट अटैक हुआ, सिकंदर साहब ने उसके सामने अपनी वल्दियत की शर्त रख दी। उनका कहना था कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे अगर आज उनका भाई अपनी बेटी की खुशी देखे बिना मर गया। ये ज़बरदस्ती का रिश्ता ज़यार ने बांध तो लिया, लेकिन उसको निभाना एक बेहद मुश्किल काम था। शादी के बाद अक्सर दोनों में लड़ाई झगड़े रहते, सब कुछ उनके सामने था। बरीरा हर मुमकिन तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ज़यार का मूड ऑफ ही रहता। उसने कभी भी बरीरा में दिलचस्पी ली ही नहीं थी। शादी के एक माह बाद जब उन्हें बरीरा की तरफ से खुशखबरी मिली तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है, बरीरा और ज़यार कामयाब ज़िंदगी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज़यार का रवैया फिर भी ना बदला। बंद कमरे में उनकी घंटों लड़ाइयाँ होती। ऐसे में सफ़िया बेगम का बस इतना ही कहना था कि सिकंदर साहब ने उनके बेटे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन्हें अक्सर ये बात परेशान कर देती थी। पहले लगा कि हादी की पैदाइश पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। हादी भी उन दोनों के बीच मौजूद दूरियों को कम ना कर सका, क्योंकि हादी की पैदाइश के बाद की ज़यार की रूटीन में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आया था। वो बरीरा को उतना ही नापसंद करता था कि अक्सर उस पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा देता जिस पर सिकंदर शाह को यकीन न था। बरीरा को कमरे के अंदर तो खाक इज्जत मिलती, वो कमरे के बाहर भी उसे खरी खरी सुना देता। सिकंदर साहब से तो उसने उस दिन ही बात करना छोड़ दिया था जब उन्होंने उसे अपनी पगड़ी की कसम देकर बरीरा का उससे निकाह करवाया था। ऐसे में उन्होंने सफदर शाह के ज़रिए ये बात उस तक पहुंचाई कि घर में मौजूद बच्चियां अब बड़ी हो रही हैं। उनकी लड़ाइयां झगड़े देखकर उनके जहन पर बुरा असर पड़ रहा है, और सफदर शाह के अंदाज पर वो ये बात समझ गया था। फिर उनकी लड़ाई झगड़े एक कमरे तक महदूद हो गए। आवाज़ कमरे से बाहर आना बंद हो गई। सिकंदर शाह को लगा कि फासले सिमट चुके हैं, अब वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बरीरा बेहद मुतमईन और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके हर अंदाज में ज़यार के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, जिसे देखकर सिकंदर शाह दिल ही दिल में खुश हो जाते। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें कभी भी ज़यार के चेहरे पर खुशी का कोई रंग नज़र नहीं आया। इन 7 सालों में उन्होंने कभी भी ज़यार को खुलकर मुस्कुराते नहीं देखा था। वो यही सोचते थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ज़यार के चेहरे पर वो खुशी कहीं से नहीं आती थी जो वो बरीरा के चेहरे पर देखते थे। इन सब के बावजूद अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में आती तो वो ये थी कि ज़यार अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। लेकिन 7 साल के बाद आज वो उसे खुलकर हंसते देख रहे थे। न जाने किस बात पर शेर के साथ खड़ा वो खुलकर हंस रहा था। जब से उसकी शादी पाजेब के साथ हुई थी, तब से उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। सब कुछ पा लेने का वो रंग अलग ही था। उसके अंदाज, वो खुशियाँ उसके चेहरे पर झलक रही थी। वो ये नहीं जानते थे कि बरीरा के साथ वो खुश है या नहीं, लेकिन पाजेब शायद उसकी खुशी बनकर आई थी। वो मुस्कुराते हुए लॉन में शेर के सामने आ बैठे। उनकी बातें बदल चुकी थी। शेर जो ना जाने किस बात पर ज़यार को घूर रहा था, अब खामोशी से सिकंदर साहब से बिजनेस के किसी टॉपिक पर डिस्कस करने लगा। जबकि उन्हें लॉन में बैठा देख कर बरीरा उनके लिए चाय लेकर आई थी। उनकी बेटी समझती थी कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। बरीरा के सर पर शफकत भरा हाथ रख कर उन्होंने चाय का कप उठा लिया, जबकि बरीरा उनके पास ही बैठी उनसे बातें करने में मसरूफ़ हो गई। जब अचानक ही सिकंदर साहब ने शेर को मुखातिब किया, शेर 18 तारीख को शादी है और 21 तारीख तक तुम लोग कहीं घूमने फिरने निकल जाना। शादी के बाद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, और तुम भी ज़यार। उन्होंने एक नज़र शेर को देख कर ज़यार को मुखातिब किया तो वो उन्हें देखने लगा, जबकि बरीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिल गई थी। हाँ, मैं सोच रहा था कि वो बच्ची पाजेब कैसे बुलाई बुलाई पूरी हवेली में फिरती है। लेकर जाओ उसे अपने साथ और अब वक्त गुजारो उसके साथ, ताकि उसे भी पता चले कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है। अब वो बीवी है तुम्हारी, उसका ख्याल रखना फ़र्ज है तुम्हारा। निकाह करके उसे अलग कमरे में रख देना ये इंसाफ नहीं है। उसे लेकर जाओ, इस माहौल से बाहर निकालो ताकि उसका जहन खुले, इस हादसे को भूल कर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। सिकंदर साहब बेहद सीरियस अंदाज में बोल रहे थे, जबकि बरीरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थी।
वो बेहद गुस्से से सिकंदर साहब को घूर रही थी, जिसका वो नोटिस नहीं ले पाई, जबकि जयार के चेहरे पर बेहद नरम मुस्कुराहट थी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन सिर्फ हाँ में सर हिला दिया, जबकि सिकंदर साहब इंतजाम देखने के लिए वहाँ से उठकर बाहर चले गए। बरीरा के चेहरे पर गुस्सा और नफरत देखकर जयार को अलग ही सुकून मिला था, जबकि शेर अपने मोबाइल में मसरूफ न जाने क्या कर रहा था। बरकुरदार, लाली ने तो रिश्ते से इनकार कर दिया। शाहजार साहब ने कमरे में कदम रखते हुए उसे झटका दिया था। क्या मतलब है आपका, वो ऐसे कैसे इनकार कर सकती है? कोई इनकार नहीं है, मैं नहीं मानता किसी इनकार को, जिद्दी लहजे में वो बोला। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा, लड़की की भी कोई मर्जी होती है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसके पास तुमसे शादी ना करने की बहुत सारी वजूहात हैं जो अदा साहब ने मुझे बताई हैं। कौन सी वजूहात हैं बताएं ज़रा मुझे, मैं खुद उसकी वजूहात को जड़ से मिटा दूंगा। वो अपने कॉलर फोल्ड करते हुए बोला। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, मतलब उसे लाली की ये बात हर किस पसंद नहीं आई थी। वजह मिटाने के लिए तुम्हें क्लीन शेव होना पड़ेगा और मुच्छों के बगैर तुम बहुत कोजे लगोगे, शाहजार साहब ने सोचते हुए कहा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, बता दें उसे, अगर वो मेरी पहली मोहब्बत है तो ये मूछ मेरी दूसरी मोहब्बत है, और मैं पहली मोहब्बत के लिए दूसरी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूँगा, वो मूछों को ताव देते हुए बोला। मतलब कि तुम लाली को शादी के तोहफे में ये मूछें सौतन के रूप में दोगे, बाबा का अंदाज बेहद दोस्ताना और शरारती था। वो जैसे भी कबूल करे, कबूल तो उसे करना ही होगा। खैर आप परेशान ना हो, दूसरी वजह बताएं ज़रा, वो उनके सामने बैठा फिर से पूछते लगा। मेरे सुनने में आया है कि तुम उसे बहुत डांटते हो, अगर ऐसा है तो कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारी डांट से डर कर वो कल बेहोश हुई थी और आज वो तुमसे शादी से भी इनकारी है। मेरी डांट नज़र आती है, अपनी हरकतें नज़र नहीं आती मोहतरमा को? खैर वो भी शादी के बाद कम कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, उसकी पंगेबाजी ही बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि वह लड़की सुधर नहीं सकती और उसे सुधारने के लिए डांटना बहुत ज़रूरी है। वो एक नज़र उसके पिछले तमाम रिकॉर्ड पर गौर करते हुए बोला। ऐसा कोई मुकाम उसकी ज़िंदगी से नहीं गुजरा था जिसमें उसे लाली को डांटने की ज़रूरत महसूस ना हुई हो। लाली की तमाम हरकतों पर गौर करते हुए वो इस तरह का कोई वादा नहीं कर सकता था। खैर अगली वजह बताएं, वो फिर से पूछने लगा। उसे तुम्हारे नाम शेर से भी खासा मसला है, उसे लगता है कि इंसानों का नाम शेर नहीं होना चाहिए, बाबा ने एक और वजह बयान की, जबकि इस वजह पर वो उन्हें घूरने लगा जिन्होंने बेटे की पैदाइश की खुशी में उसका नाम ही शेर रख डाला था। अब 28 साल का हो चुका हूँ, नाम चेंज नहीं हो सकता, उसने जैसे बात ख़त्म करनी चाहिए। बाबा खामोशी से उठ खड़े हुए। मतलब कि बस यही वजूहात थी? हैं, ये वजूहात तो कबूल करने लायक ही नहीं है, तो क्या मैं मंगनी की तैयारी करूँ? वो बेड पर पड़ी अपने शेरबानी की तरफ इशारा करते हुए बोला। तो शाहजार साहब ने नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर उसे देखा। बाबा अगर इन वजूहात पर लाली ने शादी से इनकार कर दिया है ना, तो कसम से गन पॉइंट पर निकाह कर लूँगा, वो जिद्दी अंदाज में बोला। तो बाबा ने कहकहा लगाया। परेशान मत हो बरकुरदार, अदा साहब ने भी इन वजूहात को कबूल करने से इनकार कर दिया है, कल मंगनी है, तुम तैयारी करो। वो मुस्कुरा कर कहते कमरे से बाहर निकल गए थे, जबकि शेर एक ठंडी सांस भरता अपनी शेरवानी देखने लगा। अम्मी ना करें यार, एक तो दुल्हा उस मुच्छड़ को बना दिया है, कम से कम ड्रेस तो मेरी पसंद का लेने दें, मैं कल यही पहनूंगी। गुलाबी रंग का बेहद खूबसूरत सितारों से सजा ड्रेस अपने साथ लगाते हुए बोली। ठीक है दुल्हा उसकी पसंद का नहीं था, लेकिन अपनी शादी का अहम तरीन दिन वो बर्बाद भी नहीं कर सकती थी। लाली छोड़ दो ये फजूल हरकतें, मैं कह रही हूँ ना कि मंगनी पे इतना शॉकिंग कलर कोई नहीं पहनता है, अम्मी ने ड्रेस दूर करते हुए कहा। हाँ तो क्या सफ़ेद पहन के बैठ जाऊँ? मुझे नहीं पहनना सफ़ेद, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऊपर से ये आसमानी रंग का दुपट्टा पता नहीं किस पागल ने ये मंगवाया है, बेहद नापसंद है मुझे ये, इतने लाइट कलर मैं कभी भी नहीं पहनूंगी। वो अपनी और अपनी मंगनी पर तो हरगिज भी नहीं, ये मेरा स्पेशल डे है। वो अम्मी का पसंद किया हुआ ड्रेस एक तरफ रख चुकी थी, उसे यह ड्रेस ज़रा पसंद नहीं आया था, जबकि सफ़िया बेगम तो चाहती थी कि वो यही ड्रेस पहने, क्योंकि मंगनी के दिन की मुनासबत से एक तो ये ड्रेस बहुत खूबसूरत था, दूसरा ये शेर खुद अपनी पसंद से लाया था। अभी उन दोनों की यही बहस जारी थी जब अचानक शेर दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। ताई अम्मी ने एक मस्कीन सी नज़र उस पर डाली, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उनके करीब आया, जबकि वो लाली की तरफ इशारा कर रही थी, जो उसे दरवाजे पर देखते ही चेहरा फेर कर ड्रेस देखने लगी। लाली ये फजूल ड्रेस है,
क्या मंगनी वाले दिन ये सफ़ेद लिबास पहनूंगी, कितना बुरा लगेगा। मंगनी स्पेशल डे है, उस पर शॉकिंग कलर पहनना चाहिए, और उस पर ये स्काई ब्लू दुपट्टा तौबा कितना खराब लग रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये ड्रेस, खबरदार जो तुमने पहना दो। वो हुक्म झाड़ते हुए बोला तो लाली उसे घूरने लगी। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं क्या पहनूंगी और क्या नहीं, और मैं ये ड्रेस पसंद कर चुकी हूँ, मैं कल यही पहनने वाली हूँ, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अहम बात यह है कि मुझे पसंद है और मैं कल इसी ड्रेस में मंगनी करूँगी, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो मुझसे मंगनी ना करे। पर नाक की नथने फुला कर कहती बेहद मासूम लग रही थी। उसकी चलाकी पर जहाँ सफ़िया बेगम मुस्कुरा कर उठकड़ी हुई थी, वहीं शेर ने उसे गुस्से से घूरा। बहुत गलत बात है लाली, तुम्हें मेरी पसंद माननी चाहिए, वो जताते हुए बोला। अम्मी इसके साथ जूते कौन से हैं, दिखाएं मुझे, वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए अपने जूते देखने लगी। उसे ये सोच सोच कर मज़ा आ रहा था कि ये ड्रेस शेर को बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे तंग करने में कामयाब हो चुकी है। उसने सोच लिया था कि शादी से पहले पहले वो उसे इस हद तक तंग करेगी कि वो शादी से इनकार कर देगा, लेकिन वो मासूम उसके दिमाग की चलाकियाँ नहीं समझ सकती थी। वो जिस तरह से आया था इसी तरह एक नज़र सफ़िया बेगम की तरफ देखकर मुस्कुराता बाहर निकल गया, जबकि सफ़िया बेगम तो अपनी बेवकूफ़ बेटी को देख रही थी, जो ये सोच कर खुश हो गई थी कि उसने पहली बार ही सही लेकिन शेर की बात नहीं मानी। ज़यार की नज़रें उसे बेहद परेशान कर रही थीं, वो जहाँ जाती उसे अपने साथ ही पाती, लेकिन बरीरा बेगम की खुले अल्फाज में इजहार मोहब्बत पर अब वो उससे दूर भागने लगी थी। वो उससे छुपने और भागने की कोशिश में हलकान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हवेली में कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता। वो उसके लिए किस किस्म के जज्बात रखता था वो नहीं जानती थी और ना ही जानने की ख्वाहिश थी। पाजेब तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन निकाह में होने के बाद ये मुमकिन नहीं था, और अब वो अपने जज्बात से भी अनजान नहीं थी, क्योंकि निकाह के बाद तो मोहब्बत हो ही जाती है। वो इसी सोच में गुम बाहर लॉन की साइड पर आ गई कि पीछे से गला कंघारने की आवाज़ पर वो घबरा कर पीछे मुड़ी। सामने ही वो पुरशोक निगाहें पाजेब पर जमाए हाथ में सिगरेट पकड़े दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वो अक्सर रात उस वक्त सिगरेट की तलब पूरी करने आता था। वो शख्स एक अरसे से मुस्कुराना भूल गया था, लेकिन ये छोटी सी लड़की उसे ये काम करने पर मजबूर करती थी। उसका अंदाज, उसका ये बेजा डर सयार सिकंदर शाह के लिए काफ़ी दिलचस्प था, और अब भी उसे सामने देखते ही वो उससे छुपने का रास्ता तलाश करने लगी। क्या कर रही हो तुम रात के इस वक्त यहाँ, सयार ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, जा रही हूँ। अंदर ही उसने भागना चाहा, और उसका इरादा भाप कर जयार ने उसकी नाजुक कलाई थामी। पाजेब की जान पहले ही अटकी हुई थी, बिल्कुल निकलने वाली हो गई। इतनी जल्दी जाने की है या मुझसे छुपने की, वो अपने अजली खड़ूस अंदाज में बोला, तो पाजेब को लगा कि वो खड़ी खड़ी बेहोश हो जाएगी। शाह साहब छोड़े मुझे, वो बुरी तरह मछली, जयार नाम है मेरा लड़की, अगर शौहर को नाम से बुलाते शर्म आती है तो जानम या होने वाले बच्चों के बाबा जान कहकर बुला लिया करो। उसकी बात पर पहले तो पाजेब की पूरी आंखें खुल गईं, लेकिन उसके पुरशोक निगाहों के सामने पलकों के पर्दे ने आंखों को छुपा लिया। उसकी ये शर्मो हया तो जयार सिकंदर शाह का चैनो करार पहली नज़र में ही लूट गई। वो बेखुद सा होकर एक झटके से खींच कर उसे सीने से लगा चुका था। कमर के गिट बाजू मजबूती से हायल हुए वो उसे अपने हद दर्जे नज़दीक कर गया। वो तड़पने लगी, मगर उस आईनी गिरफ्त से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। रात के 10 बजे कोई उस तरफ निकल आता, वो सिर्फ यही सोचकर मचलने लगी। और अगर बरीरा बेगम, वो पूरी तरह मज़ाहमत करने लगी, लेकिन उसकी मज़ाहमत का ज़यार पर उल्टा असर हुआ। ज़यार के मुँह जोर जज्बात पे लगाम होने लगे। उस मलगजे अंधेरे में बाहों में एक नरमो नाजुक वजूद और फिर जायज़ रिश्ता महसूस होते ही ज़यार के तमाम सोए जज्बात अंगड़ाइयाँ लेकर बेदार हुए थे। ज़यार की निगाह उसके नाजुक सरापे से हट नहीं रही थी। उसे अपनी बाहों में लिए वो बेखुद सा होने लगा। झुककर उसके माथे पर मोहब्बत की मोहर सब की, तो पाजेब उससे दूर होने की कोशिश में नाकाम होती मज़ीद खौफजदा होने लगी। निगाहें बार बार बड़े दरवाजे की सिमत उठने लगी। छोड़े मुझे, वो फिर से बेबसी से बोली। उसके डर को शर्म समझ कर वो दिलकशी से मुस्कुराया। उसकी हालत की परवाह किए बगैर वो फिर से उसके चेहरे पर झुका था और उसकी नम होती आंखों को अपने लबों से छूने लगा। उसकी निगाहें उठ नहीं पा रही थीं, और ज़यार को
उस मशरकी हुस्न ने अपना दीवाना बना दिया था। वो एक हाथ उसके बालों में फंसा कर उसके चेहरे को अपने बेहद करीब कर चुका था। पाजेब ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश की और साथ ही अपना आप छुड़ाना चाहा था, मगर वो ऐसा ना कर सकी, बल्कि अब उसके अमल में शिद्दत आ गई थी। इतनी शिद्दत के पाजेब को लगा वो उसकी जान लेने के दर पे है, आज शायद ही वो उसकी शिद्दत में दूसरी सांस ले सकेगी। कल से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, वैसे ही जैसे एक बीवी अपने शौहर के साथ रहती है, और बरीरा आज से तुम्हारे कमरे में। मैं उससे बात कर चुका हूँ, वो सख्त लहजे में कहता एक बार फिर उसे अपने करीब कर गया और उसका नाजुक सा वजूद अपने सीने से लगाया। इतनी चाहत इतने मान से वो लाया उसे इस हवेली में। वो उसके सामने बेबस होने लगी, लेकिन बरीरा बेगम उसकी बंद आंखों में एक हसीन चेहरा आया और फिर मासूम सा हाथी उसने एक झटके से अपना आप छुड़ाया था और उससे निगाह उठाकर देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। नम आंखें साफ करती भागती हुई वहां से चली गई। हाँ, उसे ज़यार सिकंदर शाह से मोहब्बत हो गई थी, हार गई थी वो उस शख्स के सामने, लेकिन वो कैसे भूल जाती कि वो उससे पहले किसी और का शौहर है, किसी का बाप है। हाँ, वो खुद गर्ज नहीं थी, अपनी खुशियों के लिए किसी और का घर बर्बाद नहीं कर सकती थी। वो बुरी तरह से मचल रही थी, तड़प रही थी, ये जाने बगैर कि जिस घर को वो उजड़ने से बचाने के लिए अपना सब कुछ उजाड़ रही है वो तो कभी बसा ही नहीं था। सुबह होते ही हवेली में हलचल मच गई थी, हर कोई अपनी अपनी तैयारी के पीछे लगा था। वैसे तो सारी तैयारी मुकम्मल थी, बस सबका अपना अपना तैयार होना बाकी था। जब पाजेब को अपने कमरे में एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बेड पर पड़ा हुआ मिला, उसके ऊपर छोटी सी चिट में लिखा था कि आज रात मैं इस ड्रेस में तुम्हारा अपने कमरे में इंतज़ार करूंगा, उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। क्या लिखा था उसके नसीब में? ज़यार को खुद के पास आने से वो रोक नहीं सकती थी और ना ही उसे उसके हक़ से महरूम कर सकती थी, लेकिन बरीरा बेगम? कल की सारी रात उसकी इसी बेचैनी में गुजरी थी। ज़यार का उसकी तरफ मतवज्जा होना कोई छोटी सी बात हरगिज़ नहीं थी, पता नहीं आगे क्या होने वाला था। सब लोग उस वक्त हॉल में जमा थे। लाली बहुत खूबसूरत लग रही थी, एक तो वो वैसे ही बेहद खूबसूरत थी और ऊपर से ये सिंगार उसे आसमान से उतरी कोई परी बना चुका था। शेर का बस चलता तो उसे कभी उससे अपनी नज़रें हटाता ही ना। शेर के एक तरफ ज़यार जबकि लाली के साथ स्नेहा खड़ी थी। लाली बार बार मुंह बनाकर सिकंदर साहब को देखती और ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो इस मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन सिकंदर साहब तो उसे इस तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे जैसे वो उनकी सुतेली बेटी हो या उसे कचरे के ढेर से उठाकर लाया गया हो। तालियों की भरपूर गूंज के बीच शेर ने उसे अंगूठी पहनाई। पहले तो लाली बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब शेर ने उसका हाथ नरमी से थाम कर उसके हाथ में अपने नाम की अंगूठी पहनाई तो उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था। एक नज़र शेर को देखा और नज़र झुका गई, जबकि उसका ये शर्माता घबराता अंदाज शेर के दिल पर बिजलियाँ गिरा रहा था। लाली, वो देख बाहर, आबिद भाई, फजीला आपा के भाई। उसके हाथ में अंगूठी पकड़ाते स्नेहा ने बाहर की तरफ इशारा किया, जहां दरवाजे पर खड़ा आबिद कोई काम कर रहा था। उसके दो दांत मुंह से बाहर आ रहे थे, सर के बीचों बीच टिंड बनी हुई थी। लाली को तो उसे देखकर ही रोना आ गया, मतलब अगर शेर नहीं तो उसे ये मिलना था। नो मूछ नो टेंशन, बल्कि यहाँ तो सर पर भी बाल नहीं है। फिर क्या ख्याल है फजीला आपा का, हीरा चलेगा या हीरे की अंगूठी? उसने उसके हाथ में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया, जबकि लाली का तो सारा ध्यान ही बाहर की जानिब था, जहां अब पता नहीं आबिद क्या काम कर रहा था, और उसके हाथ में मौजूद अंगूठी शेर के मुंह में जा रही थी। लाली बेवकूफ़ लड़की, अंगूठी मेरे हाथ में पहनानी है, मेरी गर्दन में नहीं, वो अल्फाज चबा चबा कर गुस्से से बोला, जबकि उसके डांटने पर लाली बौखला कर मुँह बना गई और अंगूठी उसके हाथ में पहनाई। इस दौरान उसका हाथ बिल्कुल भी शेर के हाथ से टच नहीं हुआ था। अंगूठी पहनाते ही हर तरफ मुबारकबाद का शोर शराबा शुरू हो गया। पहले तो सबसे आखिर में निकाह की रस्म होनी थी, लेकिन निकाह 18 तारीख को ही रखा गया था, लेकिन शेर की फरमाइश पर निकाह पहले करने का फैसला कर दिया गया। स्नेहा लाली को थाम कर कमरे में ले आई, जहां आते ही उसे अपने कल के ड्रेस की फिक्र लाहक हो गई थी। अब जो भी था, टिंड कलोनी दाल सलोनी से तो मुच्छड़ ही बेहतर था। इस वक्त
उसके सामने एक बेहद खूबसूरत वाइट कलर का ड्रेस था जो एक बहुत मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर की बहुत खूबसूरत तख्लीक थी। ये ड्रेस इतना प्यारा था कि उसे देखते ही स्नेहा ने उसकी भरपूर तारीफ़ की, जबकि ये सोच करके ये ड्रेस वो खुद पहने पहनेगी ये सोचकर लाली तो आसमान में उड़ने लगी। उसके भाई ने उसके लिए इतना खूबसूरत ड्रेस पसंद किया था, उसका दिल चाहा कि ज़यार के दोनों गाल चूमकर उसका शुक्रिया अदा करे। एक दिमाग पर वो मुच्छड़ सवार था तो दूसरी तरफ अपनी शादी की तैयारियां देखकर वो बहुत खुश थी। आजकल अम्मी उसे डांटने के बजाय हर थोड़ी देर के बाद प्यार कर रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि दुल्हन बनने वाली लड़की को VIP ट्रीटमेंट भी मिलता है। वैसे तो वो उम्र में स्नेहा से 4-5 छोटी थी, लेकिन आजकल वो उससे बड़ी बनी हुई थी। वो उसे छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बात समझा रही थी कि किस तरह से अपने शेर अदा को लूटना है। वो उसे बहुत सारे छोटे बड़ी बातें समझा रही थी ताकि स्नेहा कोई भी गलती ना करे। और उन दोनों में ये डील भी हो चुकी थी कि शादी के बाद जितने भी पैसे मिलेंगे वो दोनों आधा आधा करेंगे। शुरू में तो स्नेहा को ये शर्त बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे लगता था कि शेर अदा से निकलवाए जाने वाले सारे पैसों पर सिर्फ उसका हक होगा, और अब ये लाली भी हकदार बन गई थी। लेकिन लाली की टिप्स उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। वो उसे बहुत सारी रस्में बता रही थी जिसमें बहुत सारे पैसे मिलने के भी चांसेस थे, इसीलिए आजकल वो वही कर रही थी जो लाली उसे करने को कह रही थी। वैसे तो उसकी ख्वाहिश थी कि शेर की शादी में वो बहुत सारे पैसे जमा करेगी और तुर्की जाकर वो अपने लिए दुल्हा ढूंढेगी। जबकि अब शेर खुद ही उसका दुल्हा बन गया था तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो तुर्की नहीं जाएगी। ये तो उसका ख्वाब था, तुर्की तो उसे बहरहाल जाना ही था और शेर से अगले पिछले सारे बदले लेने थे, उसने सोच लिया था। जितना शेर ने उसे डांटा है वो एक एक बात का चुन चुन कर बदला लेगी। और सबसे पहले तो उसने अपनी किताबें जलानी थी, वो भी शेर के सामने बैठ कर, ताकि उसे पता चल जाए कि लाली आगे पढ़ाई करने का कोई इरादा नहीं रखती। और अब तो उसके पास बहाने भी बहुत थे, जैसे एक शादीशुदा लड़की को बहुत सारे काम होते हैं, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर बार संभालना होता है, ऐसे में वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकती। उसे यकीन था कि शेर उसे पढ़ने के लिए ज़रूर फोर्स करेगा, लेकिन वो भी एक अच्छी खासी लंबी तकरीर तैयार कर चुकी थी जिसे वो शेर के सामने करने वाली थी। ज़्यादा ना भी हो तो भी उस पर थोड़ा बहुत असर तो हो ही जाता। और अब तो उसने सोच लिया था कि शेर ने आकर उसे ज़रा सा भी डांटा या गुस्सा किया तो वो अपने बाबा को बताएगी, नहीं तो वो चाचू से शिकायत करेगी। अब वो अपनी मासूम जान पर शेर का जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वो शेर की बीवी बन जरूर रही थी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने वाली थी और शेर की कोई भी नाजायज़ पढ़ाई वाली बात बिल्कुल भी नहीं मानेगी। कहने को तो सब सेट हो चुका था, कल उसका निकाह भी था, सब बहुत खुश थे, लेकिन जाने क्यों बार बार अम्मी और बाबा की आंखें भीग रही थीं। वो कह रही थी कि कौन सा वो कहीं बाहर जा रही है जो सब रो रहे हैं। अभी अभी वो उनके कमरे में आई थी जहां बाबा उदास और मामा को आंसू बहाते देखकर वो भी उदास हो गई। प्लीज़ बाबा, मामा से कहना कि इस तरह से रोएं तो ना, मेरा तो दुल्हा पसंद का भी नहीं है, लेकिन देखें मैं फिर भी कैसे मुस्कुरा रही हूँ। वो बेहद मासूमियत से उनको समझा रही थी। सफ़िया बेगम का दिल चाहा कि अभी रख के कान के नीचे लगाएं कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए, लेकिन ये सोच कर खामोश हो गई कि कल वो दुल्हन बनने वाली है। बेटा आप ये बातें नहीं समझ सकती, कल आप हमसे दूर तो नहीं होंगी लेकिन हमारा नाम आपसे जुदा हो जाएगा। कल से आप शेर की हो जाओगी और फिर एक अच्छी बीवी बनने के लिए आपको उसकी सारी बातें माननी होगी। हमें यकीन है हमारी बेटी बहुत समझदार है और हमें शिकायत का मौका कम ही देगी। तुम्हें पता है जब एक इंसान अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो वो सिर्फ एक शादी नहीं होती बल्कि वो अपनी इज्जत को बेटी के हवाले कर देता है और उससे कहता है कि जाओ बेटा मेरी इज्जत की हिफाजत तुम करो। हुस्ने इखलाक से अपनी तरबियत से जब एक बेटी अपने बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जाती है, सुबह अपने साथ अपने पहलू में अपने बाप की इज्जत बांध कर जाती है जिसकी हिफाजत करना उस पर फ़र्ज़ होता है। तुम कहीं दूर तो नहीं जा रही, लेकिन मैं फिर भी अपनी इज्जत तुम्हारे पहलू में डाल रहा हूँ, तुम ही उसकी हिफाजत
करोगी तुम्हें करनी होगी। अपनी माँ की आला तरबियत से अपने बाप का सर हमेशा बुलंद रखना होगा। वो उसे अपने सीने से लगाए समझा रहे थे जबकि लाली खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। आप फिक्र ना करें बाबा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद वो बोली तो सिकंदर शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे यकीन है मेरी लाडली बेटी बहुत समझदार है। बेगम आप तो ऐसे ही कहती हैं कि पता नहीं इस बेवकूफ़ और काम चोर का क्या होगा। बाबा शरारती नज़रों से अपनी बेगम को देखते हुए बोले तो लाली शॉक्ड की कैफियत में अपनी माँ को देखने लगी। बाबा, मामा ने मुझे काम चोर और बेवकूफ़ कहा? उसे काफ़ी बड़ा झटका लगा था। नहीं नहीं मेरी लाडो, इन सब बातों के लिए थोड़ी ना कहा था। आप भी कमाल करते हैं शाह साहब। बेटी को हैरान और परेशान खुद को देखते पाकर सफ़िया बेगम हड़बड़ा गई। बस बहुत हुआ, हर कोई मुझे कामचोर और बेवकूफ़ ही समझता है। बस आप मेरी रुखसती करें, मुझे वापस मायके आना ही नहीं है। वो झूठे आंसू बहाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं मेरी चंदा, तुम तो बहुत समझदार हो, हमारी हर बात समझती हो, कहाँ हो तुम बेवकूफ़। अम्मी उसे पुचकारते हुए कहने लगी तो लाली ने भी मुस्कुरा कर नाराज़गी ख़त्म कर ली। जो भी था वो उन दोनों की उदासी ख़त्म करने में कामयाब हो चुकी थी। उसने किचन में कदम रखा तो बरीरा किचन में कुछ कर रही थी, लेकिन पाजेब ने नोट किया कि वो रो रही है। क्या हुआ बरीरा बेगम, आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? वो बेहद परेशानी से उसके पास आई थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही आँख में कुछ चला गया था। खैर मैं तुम्हें बता दूँ, कल से ऊपर वाले कमरे में मैं सोने वाली हूँ। मैंने ज़यार को समझा दिया है कि जो भी है जैसा भी है, अब तुम उनकी बीवी हो और उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो तुम्हारे सारे हकूक़ पूरे करें। इसीलिए कल सुबह मुलाजमा तुम्हारा सारा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देगी और मैं तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ। वो उसे देख कर कहती हुई अपने आंसू छुपाती काम में मसरूफ़ हो गई। इस सब की ज़रूरत नहीं है बरीरा बेगम, आपने जितने एहसान किए हैं उतना काफ़ी है। मुझे इतना भी एहसानों के बोझ तले ना दबाएं कि मैं उठ भी ना सकूं। हर चीज़ अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन मैं आपके कमरे में नहीं जाना चाहती, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। ज़यार साहब ने मुझे इज्जत दी, अपना नाम दिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप ज़यार साहब को समझा दें कि मैं उनसे कुछ नहीं मांगती, वो इस रिश्ते को बेशक ना निभाएं, मेरे लिए उन्होंने जो किया वही बहुत है। ऐसे कैसे बहुत है, तुम उनके निकाह में हो और जो उनके फ़राइज हैं वो तो वो ज़रूर पूरे करेंगे, लेकिन अगर फ़िलहाल तुम उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती तो तुम खुद उनसे कह दो। तुम बस उन्हें ये कह दो कि जिन हालात में तुम्हारी उनके साथ शादी हुई है वो तुम कबूल नहीं कर पा रही हो और अभी तुम्हें वक्त की ज़रूरत है। पुराने रिश्तों को भुला कर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जिस शख्स के साथ तुम्हारी मंगनी हुई थी वो भी तुम्हारे लिए अहमियत रखता होगा। उसको ऐसे देख कर वो कहने लगी, जबकि वो उसकी तलाकी समझे बगैर बोली, नहीं बरीरा बेगम, वो शख्स मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता था, जिसकी नज़रों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं, भला वो मेरे लिए अहम कैसे हो सकता है। लेकिन आप मेरे लिए अहमियत रखती हैं, आपने मेरी इज्जत बचाई, मुझे दुनिया के सामने सर उठाकर जीने का हक दिया। मैं आपसे आपका हक नहीं छीन सकती, मैं खुद ज़यार साहब से बात करूँगी। ज़यार साहब पर सिर्फ आपका हक है, सिर्फ आप ही उनकी बीवी बनकर रहेंगी। वो उसकी दोनों हाथों को थामते हुए बोली तो अपने प्लान की कामयाबी पर वो उसे अपने गले से लगाकर आंसू बहाने लगी। ये तो वो जानती थी कि ज़यार को अपनी इज्जत अपनी गैरत बेहद प्यारी है और ज़बरदस्ती का कायल तो वो हरगिज़ नहीं है। अगर उसकी बीवी उसके साथ रिश्ता नहीं दिबाना चाहेगी तो उसके साथ वो ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं करेगा। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है पाजेब, मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही। मैं तुम्हें यहाँ तो ले आई हूँ अपनी जगह अपने मुकाम पर, लेकिन अब ज़यार को तुम्हारे साथ बांधना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे गलत मत समझना। हर औरत की तरह मैं भी अपने शौहर को बेपनाह चाहती हूँ और उन्हें किसी के साथ बांधना मेरे बस की बात नहीं है। वो आंसू बहाते हुए बोली, आप ना रोएं बरीरा बेगम, मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। आपको मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका कभी नहीं मिलेगा। आपने जितना बड़ा दिल दिखाया है ना, उसके बाद अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। वो बेहद नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, जबकि दरवाजे के बाहर स्नेहा और लाली ने उनकी सारी बातें सुन ली थी लेकिन अंदर नहीं गई। शायद यहाँ उनके अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। वो जानती थी उनकी भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके भाई को बांटना तो उनकी भाभी के बस की बात भी नहीं थी। वो खामोशी से पलट गई। लाला रुख बिनते सिकंदर शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? वाइट ड्रेस में सुर्ख रंग का घूंघट पहने गवाहान की मौजूदगी में वो इस निकाह को कबूल कर रही थी। वो जो खुद को बहुत मजबूत जाहिर करती थी,
जाहिर कर रही थी। सोच रही थी कि ये सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ आकर उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ शोर शराबा होने के बावजूद भी उसे सन्नाटा ही लग रहा था। आज उसके बाप का नाम उसके नाम से अलग किया जा रहा था। न जाने क्यों बेइख्तियार उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा तो उसका दिल चाहा कि उनके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रोने लगे। आंसू बेइख्तियार ही पलकों से छूट कर गालों पर बह निकले। बाबा ने उसे अपने साथ लगाते हुए उसके सर पर बोसा दिया, जबकि दूसरी तरफ जयाद ने उसे मौलवी साहब की तरफ ध्यान देने का कहा। उसका दिल चाहा वो यहाँ से भाग जाए। कौन लड़की अपने बाप का नाम खुद से अलग करना चाहेगी। बाबा के मोहब्बत भरे लम्स और भाई की ठंडी छाँव में उसने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। हर तरफ मुबारकबाद की गूंज शुरू हो चुकी थी। लाली से निकाह कबूल करवाने के बाद सब लोग बाहर चले गए, जबकि लाली अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगी। उसके इस तरह से रोने पर स्नेहा की आंखों में भी आंसू आ गए। मामा मैं शादी नहीं करूँगी और निकाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, स्नेहा पाकीज़ा बेगम के सीने से लगते हुए बोली। तो पाकीज़ा बेगम परेशान हो गई, लेकिन उसके नसीब के लिए दुआएं ज़रूर मांगी। न जाने उनकी बेटी के नसीब में क्या लिखा था। थोड़ी ही देर में बाहर से भी शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। निकाह की रस्म मुकम्मल अदा हो चुकी थी। आज लाला रुख सिकंदर शाह से लाला रुख शेरजार शाह बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद उन दोनों को बाहर हॉल में एक ही स्टेज पर बिठा दिया गया। वो शहजादों की आन बान रखने वाला शख्स आज भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। वो आहिस्ता से आकर उसके पहलू में बैठा तो लाली ने भी इख्तियार ही जरा सा फासला बनाने की कोशिश की, जो उसका हाथ थाम कर वो नाकाम कर गया। बड़ा शौक हो रहा है मुझसे दूर भागने का, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। और अंदर इतना रोना धोना क्यों मचा रखा था, इंसान से शादी हुई है किसी जिन से नहीं। उसका लहजा काफ़ी सख्त था, शायद वो नाराज़गी का इजहार कर रहा था। लेकिन लाली को तो लग रहा था कि यहाँ पर भी वही उस पर गुस्सा हो रहा है, उसे डांट रहा है। बस बहुत हुआ, अगर आपने मुझे डांटा ना तो मैं सच कह रही हूँ, मैं सबको बता दूंगी चिल्ला चिल्ला कर। कौन इतनी प्यारी दुल्हन को निकाह वाले दिन डांटता है, वो मुँह बनाते हुए बोली तो शेर एक नज़र उसके नाक पर रखी बड़ी सी नथ को देखने लगा, जबकि उसके नथ का मोती बार बार उसके लबों को छू कर उसे बेचैन कर रहा था। बेवकूफ़ लड़की मैंने कब डांटा, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। उसका लहजा अभी भी सख्त था, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी। हाय अल्लाह आप क्या कर रहे हैं, इसे डांट नहीं तो फिर क्या प्यार करना कहते हैं, वो उसे घूरते हुए बोली। प्यार करना तो नहीं कहते, खैर प्यार करना तो मैं तुम्हें कमरे में जाकर बताऊँगा ना कि किसे कहते हैं, सबके सामने थोड़ी ना कर सकता हूँ। आज रात आऊँगा और तुम्हारे कमरे में तुम्हें एक झलक दिखाने के लिए, इसीलिए तो निकाह पहले किया है ताकि शादी की रस्मों में तुम्हारे हर रूप को पूरे हक से महसूस कर सकूं। वो उसकी जानिब झुकते हुए उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो लाली की तो कान की लौ के साथ साथ सारा चेहरा भी सुर्ख हो गया। देखें आप दूर रहकर बात करें, वो उसके सीने पर हाथ रख कर उसे खुद से दूर करते हुए बोली। उसके दिल के साथ साथ हाथ पैर भी बुरी तरह से कांपने लगे थे। डार्लिंग अब तो हम बहुत करीब से बातें करेंगे, इतने करीब से कि तुम्हारी सांसें भी अटकने लगेंगी, वो उसकी जान मज़ीद मुश्किल में डालता हुआ एक और बेबाक सरगोशी कर गया। लाली की तो जान लबों में आ चुकी थी, जबकि उनकी उन सरगोशियों पर हवेली में आए मेहमान दबी दबी सी हंसी हंसते हुए उन्हें सदा खुश रहने की दुआएँ दे रहे थे। हर कोई उनकी जोड़ी पर माशाल्लाह कहे बिना ना रह सका। सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता अपने अपने घर जा रहे थे। कुछ थे जो उन्हीं की हवेली में रुक गए थे। हर कोई किसी न किसी काम पर लगा हुआ था। एक तरफ मर्दों ने महफिल सजा रखी थी तो दूसरी तरफ औरतों के साथ सफिया बेगम और पाकीज़ा अपनी ही बातें किए जा रही थी। आज बहुत रौनक लगी थी। सफिया बेगम ने हर औरत से पाजेब को उनकी बहू के तौर पर मुतारफ़ करवाया था। पाजेब का सारा सामान उसके कमरे से उठाकर ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। वो कमरे में आई तो बरीरा अपना सामान लगा रही थी। अरे तुम यहाँ आ गई, तुम्हें ऊपर वाले कमरे में जाना है, जाओ जयार तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। देखो तुम्हारे दिल में जो है उनके सामने साफ साफ कह देना, मैं समझ सकती हूँ कि इस रिश्ते को कबूल करना इतना आसान नहीं है, और जयार भी तुम्हारी बात को समझेंगे, बिल्कुल मत घबराना। वो उसके पास आती उसे ऊपर जाने का मकसद समझा रही थी और पाजेब सिर्फ हाँ में
सहलाने लगी। जबकि कमरे के बाहर कदम रखते सीढ़ियाँ चढ़ते उसके पसीने छूट चुके थे। उसके कदम मन मन भारी हो रहे थे। पता नहीं क्या होना था, ये दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। लेकिन वो ज़यार को इस तरह से अपने करीब आने से रोक पाएगी? क्या वो उसकी बात को समझने की कोशिश करेगा? वो अपनी ही सोचों में उसके कमरे के बाहर आ रुकी जब दरवाज़ा अचानक ही खुल गया। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया मुझे? मुझे इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। वो एक ही झटके में उसका बाजू थामे उसे अपनी जानिब खींच चुका था और अगले ही पल दरवाज़ा बंद हो गया। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।